Hey students, I welcome back on my YouTube channel Arigard. From today's video lecture, I'm gonna start a new topic, that is atomic structure. As you see, the name of our session is Aao Question Karke Dekhe. So, in this video lecture, we will discuss about the previous year questions related to idea of de Broglie matter waves. So students, let's move to see the questions. Yes, students, question is here. Define dual nature of light, drive the de Broglie equations. Light के जो dual nature है उसको explain करने के लिए बोला गया है या question पूछा गया है आपसे drive the de Broglie equation, जो de Broglie equation है उसको drive करने के लिए. ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है to prove that lambda is equal to h by mv. ठीक है, क्वेश्चन एमडीयू 2016 सीरियली 2016 के अंदर पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम क्यू. ओके, और इसको दिया था आपके पास डी ब्रोगली ने. डी ब्रोगली ने ये कंसेप्ट दिया था, दैट इज अ साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है चाहे वो मैक्रोस्कोपिक है, यदि वो मोशन में होते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं, दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी. सो वी कैन राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, इफ a material particle आपके पास क्या हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एज वेल एज क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशंस behaves both as a particle, as well as a wave. ठीक है, कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल यदि मोशन में है, ठीक है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल यदि मोशन में है तो वो पार्टिकल और वेव दोनों तरह के बिहेवियर को शो करता है. ठीक है, ओके, तो ड्राइव करते हैं जब इसका इक्वेशन, हम इसके जब डेरिवेशंस है जो है, दैट इज डेरिवेशन. ठीक है, मेनली डी ब्रोगली ने क्या किया कि जो आपके पास प्लैंक्स इक्वेशंस एंड आइंस्टीन इक्वेशंस, ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपके पास न्यू इक्वेशन प्रोवाइड करवाई थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम यू. देखिए, जो प्लंक्स था, प्लंक्स के अकॉर्डिंग क्या था कि मटेरियल पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं, फोटॉन्स की तरह, और यदि वो फोटॉन्स की तरह बिहेव करे, ठीक है, मोशन में, तो इट मीन्स उनके साथ कैसा नेचर एसोसिएटेड है, वेव नेचर. ठीक है, कि मटेरियल पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, एक क्रस्ट एक ट्रफ्ट इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है. लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था कि मटेरियल पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल्स. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर यदि है तो पार्टिकल्स नेचर्स में वो कैसे पैकेट्स की फॉर्म में क्या करेगा, मूवमेंट शो करता है. ठीक है, तो इन दोनों के इक्वेशंस को, दैट इज वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हुए उन्होंने न्यू इक्वेशंस दी, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है ई इज इक्वल टू एच म्यू, दैट इज ई इज इक्वल टू एच म्यू, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सपोज दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या करो, ड्राइव करो, तो देखिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों की क्या है आपके पास, इक्वल है, दैट इज ई. ठीक है, वो क्या है आपके पास, ई इक्वल है. यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, दैट मीन्स एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ओके, एंड एज यू नो वी जो वेलोसिटी होती है, दैट इज क्या होती है आपके पास, सी बाई
lambda. So on by putting this value in equation third, इसको हम equation number देते हैं third. तो एक third equation के अंदर जब आप put करते हो तो आपके पास क्या आता है, h c by lambda is equal to mc square. ओके यहां से आप क्या करते हैं, यहां से यदि आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो लैम्डा आपके पास क्या हो जाता है, लैम्डा दिस वर्क. यहां से आप लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए तो आप क्या लिख सकते हो, एच सी इज इक्वल टू लैम्डा एम सी स्क्वायर. ओके एंड लैम्डा इज इक्वल टू हियर एच सी, हियर एच सी, दिस वन इज द एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर. वन सी से वन सी कैंसिल आउट होगा तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी. ठीक है, मास इनटू जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको यहां तक भी ड्राइव करने के लिए आपसे बोला जा सकता है, या फर्दर आपसे ड्राइव करने के लिए बोले तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या हो सकता है आपके पास, p. This is the derivations for de Broglie equations. कि आपसे lambda की value को prove करने के लिए बोला जाए तो वो क्या होती है, h by mv और we can say h by p. ठीक है, यहाँ lambda क्या है आपके पास, that is the wavelength associated with the matter wave. ठीक है, wavelength. This one is the wavelength. ठीक है, h क्या है आपके पास, Planck's constant है. p क्या है आपके पास, momentum. ठीक है, अब देखिए जो आपके पास जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व आउट करते हो तो आपके पास एच की वैल्यूज पुट अप करनी होती है. तो एच की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 6.623 इंटू 10^-34. दिस इज अबाउट डी ब्रोगली नेचर ऑफ मैटर वेव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, उसमें वेवलेंथ की वैल्यू दी है, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1 नैनोमीटर गिवन है, और आपके पास ये भी गिवन है कि h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10^-34. क्वेश्चन एमडीयू 2016 के अंदर पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. आपको पता है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच म्यू, या आप इसको बोल सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. ठीक है, ये भी थी. ठीक है, तो अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मोमेंटम पूछा गया है आपसे. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, दिस वन. दिस वन क्या है आपके पास, मोमेंटम. दिस इज मोमेंटम. मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है. लैम्डा की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, तो आप इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लिखिए आप क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, आप इसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10^-9 मीटर. नाउ एच की वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.63 इंटू 10^-34. ओके, नाउ अप्लाई कीजिए इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा आपके पास, हमें क्या निकालना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है. तो यदि आप यहां से मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो आपके पास इक्वेशंस क्या हो जाएगी, एच बाई लैम्डा. ठीक है, तो आप मोमेंटम को फाइंड आउट करो, मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या है, एच बाई लैम्डा. नाउ पुटअप कीजिए, पुटअप करते हैं तो आप क्या होगा, वैल्यू जो है एच की क्या है आपके पास, 6.63 इंटू 10^-34 एंड लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या है, 10^-9 मीटर. ठीक है, आपके पास ये वैल्यू गिवन्स है. नाउ इससे आप क्या फाइंड आउट करते हो, जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आता है, 6.63 इंटू 10^-25. ठीक है, ये वैल्यू आती है. अब मोमेंटम है किसमें आएगा, जो आपके पास एच की वैल्यू होती है वो किसमें गिवन होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. और आपके पास मोमेंटम की लैम्डा की वैल्यू किसमें गिवन है, मीटर के अंदर. तो यहां पर जो आपके पास वैल्यूज बचेंगी, दैट इज इन किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स. दिस इज द आंसर, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, पी जो है आपके पास वो क्या आया है, 6.63 इंटू 10^-25. इजिली हमें डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट अप करना था.